हेलो दोस्तों, हाजिर है आपके सामने आज का दोस्तों और नया लेटेस्ट टेक न्यूज एपिसोड लेके, जिसमें दोस्तों आज की ढेर सारी नई टेक न्यूज पर बात करने वाले हैं। तो देखते रहे वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। दोस्तों बढ़ते हैं एपिसोड में हर दिन की तरह आगे और शुरू करते हैं सबसे पहली खबर, जो कि आज की दोस्तों पहली दो न्यूज बड़ी ही कमाल की हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से दोस्तों रखते हैं ताल्लुक तो आपके लिए दोनों न्यूज बड़ी ही अच्छी लगेंगी। सबसे पहले दोस्तों शाओमी ने दिन सुबह होते ही मी एयर चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया। ये दोस्तों वायरलेस चार्जर आपको किसी स्टैंड की तरह नहीं मिल रहा है कि वहां पर आपको अपनी डिवाइस रखनी होगी, बल्कि आप रूम में इस चार्जर को कर दीजिए ऑन और अपने डिवाइस को लेकर रूम में कहीं भी टहलते रहिए, आपका फोन वायरलेसली, बिल्कुल ट्रूली वायरलेसली दोस्तों चार्ज होता रहेगा। तो यहां पर दोस्तों कमाल कर दिया शाओमी ने सबसे पहला इस तरह का चार्जर इंट्रोड्यूस करके। लेकिन दोस्तों अगली खबर बिल्कुल नहले पे दहले की तरह है। लिनोवो की ही दोस्तों कंपनी मोटोरोला ने भी लगे हाथ इसी तरह का चार्जर दोस्तों इंट्रोड्यूस कर दिया। उसका डेमोंस्ट्रेशन वाली एक वीडियो भी अपलोड कर दी मोटोरोला ने, जिसमें कि दो फोन रखे हुए हैं, एक 60 सेंटीमीटर और एक 100 सेंटीमीटर दूर चार्जर से, और वायरलेसली फोन लॉन्ग डिस्टेंस से चार्ज हो रहा है। यहां पर बीच में कोई भी अगर इंटरप्शन आता है तो चार्जिंग हो जाती है बंद। ये दोनों ही दोस्तों न्यूज बड़ी ही कमाल की है। बस दोस्तों इंतजार रहेगा इस तरह का कोई भी चार्जर मार्केट में लॉन्च होने का, देखेंगे दोस्तों कौन सा चार्जर सबसे पहले बाजी मारता है। अगली खबर मीजू के अगले फ्लैगशिप सीरीज मीजू 18 के बारे में। दोस्तों इस सीरीज में दो स्मार्टफोन लॉन्च होंगे मीजू 17 की तरह, और आपको मैंने कल या परसों वाली न्यूज में बताया था दोस्तों मीजू 18 सीरीज के चार्जिंग और बैटरी के बारे में। यहां पर दोस्तों नई एक हैंड्स ऑन लाइव वीडियो हो गई है सरफेस ऑनलाइन, जहां से कि इसकी डिस्प्ले पता चल रही है, जिसमें कि अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलने वाला है। यहां पर दोस्तों आपको एक बार फिर से रिवाइंड करा देते हैं कि 4000 और 4500 एमएएच की बैटरी और साथ में 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग मीजू 18 में मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगली खबर की तरफ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो बिना देरी के दोस्तों फटाफट से नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आते हैं वापस अपनी खबर पर। दोस्तों सिग्नल ऐप, जो कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस होने के बाद काफी पॉपुलर हुई थी, यहां पर दोस्तों सिग्नल लगातार कोशिश कर रहा है अपने यूजर्स को नए नए फीचर देने की। 5.3 अपडेट कंपनी ने रिलीज कर दिया है, जिसमें कि अब आप चैट पर अपना मन पसंदीदा वॉलपेपर लगा सकते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप पे लगा पाते थे। यहां पर आपको एक बात याद दिला दूं कि टेलीग्राम में यह फीचर 2019 में ही लॉन्च हो चुका था। वैसे दोस्तों सिग्नल काफी नए नए फीचर आपको इंट्रोड्यूस करा रहा है, लेकिन व्हाट्सएप भी दोस्तों अपनी कोशिश कर रहा है कि वो अपने यूजर्स को थाम के रख सके। अगली खबर Redmi से। Redmi Note 10 स्मार्टफोन दोस्तों स्पॉट हुआ है BIS सर्टिफिकेशन के साथ। अब दोस्तों BIS सर्टिफिकेशन मिल जाने के बाद बहुत कम ऐसा होता है कि स्मार्टफोन काफी लंबे तक लॉन्च के लिए रुके रहें, इसीलिए लगता है कि फरवरी में ही ये स्मार्टफोन इंडिया में दस्तक दे सकता है। आपको एक बार इसके स्पेक्स वगैरह के बारे में बता देते हैं। 6.53 इंच की IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी और साथ में होगा ट्रिपल रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में। यहां पर दोस्तों पोको M3 स्मार्टफोन की तरह ही ये Redmi Note 10 स्मार्टफोन भी होगा, बस दोस्तों थोड़ा सा आपको रैम और प्रोसेसर वगैरह में चेंज मिल सकते हैं। देखेंगे दोस्तों एग्जैक्ट कब ये फोन मार्केट में आता है। इसके बाद खबर दोस्तों ग्लोबल मोबाइल शिपमेंट के बारे में। दोस्तों पैंडेमिक के बीच में इंडिया में तो शाओमी ने दोस्तों बाजी मार ली है नंबर वन कंपनी बनके, लेकिन दोस्तों दुनिया का क्या हाल है वो आपको बता देते हैं। एप्पल आईफोन 12 लॉन्च होने के बाद 2020 के चौथे क्वार्टर में आईफोन 12 की काफी डिमांड रही, जिसकी वजह से एप्पल ने दुनिया भर के जो स्मार्टफोन शिपमेंट्स हैं उसमें बाजी मारी है, टॉप पर रही है। लेकिन यहां पर दोस्तों ग्रोथ के मामले में अगर बात करें तो रियलमी ने बाजी मारी है, 65% की ईयर टू ईयर ग्रोथ इस कंपनी ने दर्ज कराई है। तो लगता है कि दोस्तों शाओमी के बाद रियलमी चाइनीज ब्रांड्स में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगली खबर दोस्तों इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री से। जियो और एयरटेल एक दूसरे को दोस्तों पैरेलल टक्कर देने के लिए जानी जाती है मार्केट में। यहां पर दोस्तों नवंबर 2020 की डिटेल सामने आ गई है, चौथी बार एयरटेल ने जियो को पीछे छोड़ दिया है। 4.3 मिलियन नए सब्सक्राइबर को ऐड किया है नवंबर 2020 में। यहां पर आपको बता दें दोनों की मार्केट शेयर, जियो ने जहां अभी 35.73% मार्केट को कवर किया हुआ है, तो वहीं पर एयरटेल 28.75% मार्केट को कवर करता है। यहां पर दोस्तों
वोडाफोन आइडिया काफी पिछड़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। देखते हैं दोस्तों वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर क्या रहता है। इसके बाद खबर Xiaomi के यूजर इंटरफेस के लेटेस्ट वर्जन MIUI 12.5 के बारे में। दोस्तों वैसे चाइना के अंदर तो Mi 11 स्मार्टफोन के साथ ये ऑलरेडी दिसंबर 2020 में लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग अभी तक पेंडिंग थी। कंपनी ने अनाउंस कर दी है डेट 8 फरवरी को ये ग्लोबली लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों सैंडबॉक्स जैसे फीचर आपको इस नए यूजर इंटरफेस के वर्जन में देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे दोस्तों ग्लोबल लॉन्च होने के बाद कौन कौन से स्मार्टफोन्स पे सबसे पहले अपडेट के साथ ये आता है। और इन खबरों के बाद आज की आखिरी खबर है पोकेमॉन गो गेम से। दोस्तों इसके डेवलपर नियंटिक ने इंडिया में कुछ नई वैकेंसी दोस्तों रोल आउट की हैं। इससे लगता है कि पोकेमॉन गो इंडिया में और भी ज्यादा विस्तार अपना करने जा रहा है, चाहे वो गेम्स की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, या फिर हो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की। यहां पर दोस्तों बहुत सारे गेम्स पर कैची चलने के बाद कुछ गेम ऐसे हैं जो उस जगह को अपने नाम से पार्टना चाहते हैं। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगता है पोकेमॉन गो नीचे आप बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, और भी ढेर सारी टेक न्यूज़ अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है नीचे कमेंट में आप कह दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों एक और नए एपिसोड के साथ में, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।